आज के चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके लिए पहले हम देखेंगे मैग्नेट। ये रही बेटा एक मैग्नेट। मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग्स में एक फील्ड डेवलप करती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग में जो फील्ड डेवलप करती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये आप सबको पता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक दूसरी मैग्नेट को लाएंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी दूसरी मैग्नेट को लाएंगे तो इस मैग्नेट को हम कहेंगे टेस्ट मैग्नेट और इसको कहेंगे सोर्स मैग्नेट। सोर्स मैग्नेट का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम टेस्ट मैग्नेट को लाएंगे तो एक टेस्ट मैग्नेट या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस टेस्ट मैग्नेट पर लगने वाले फोर्स की वजह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब टेस्ट मैग्नेट आती है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ सराउंडिंग्स में क्या डेवलप करती है? एक फील्ड विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम क्या फील करते हैं? जैसे ये है कोई व्यक्ति, अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो ये क्या फील करेगा? या तो फोर्स, ये क्या फील करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वजह क्या है फोर्स फील करने की? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दे दें, आप सब जानते हैं जब बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर किसी बॉडी पे मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप करेगा विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हम लेके आएंगे एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसे हम लेके आएंगे दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज।
जैसे ही टेस्ट चार्ज को लाओगे ये या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर ये प्लस हुआ तो रिपल्शन, और ये प्लस और ये माइनस हुआ तो अट्रैक्शन। कुल मिला के टेस्ट चार्ज क्या फील करेगा? फोर्स। वजह क्या है फोर्स फील करने की? इलेक्ट्रिक फील। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील? अ फील्ड डेवलप बाय द सोर्स चार्ज। अ फील्ड डेवलप्ड बाय द सोर्स चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फील्ड सराउंडेड बाय द टेस्ट सोर्स चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इतना क्लियर है? ये तो बात हो गई व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। What is F? F is the force applied on test charge divided by magnitude of test charge. तो E का एक general formula क्या है? F upon Q naught. इसका ज्यादा use नहीं है। E equal F upon Q naught. इस बिहाफ पर यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम। अब ई जो है, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? ई वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जरूरत होती है डायरेक्शन की। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिए ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, देखना बेटा जैसे ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने सराउंडिंग में क्या डेवलप करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। अगर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ठीक है, याद रखना परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। आप ऐसे एरो नहीं बना सकते हो क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। हमेशा एरो कितने डिग्री पे बनेगा? 90 डिग्री। क्यों होगी? ये आगे आएगा, बताऊंगा।
फिलहाल याद रखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलरली आउट। जैसे ये एक सिलेंडर है, या पहले ये एक आयरन की शीट है, आयरन की शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी इसमें, परपेंडिकुलरली आउट। ठीक। अब जैसे एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, सिलेंडर पर चार्ज है पॉजिटिव, सिलेंडर में क्या होता है, जैसे ये सिलेंडर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस पर कैसी होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। देखिए सरफेस पर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। लेकिन अगर मैं अपर फेस की बात करूं तो अपर फेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड यही होगा। और लोअर फेस की बात करूं तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को कि अगर बॉडी पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्यों आउटवर्ड होगी वो भी समझ लो बेटा। एक्चुअल में ये डायरेक्शन है पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज, समझना। टेस्ट चार्ज जो अभी मैंने क्यू नॉट लिखा था, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। जो टेस्ट चार्ज होगा वो बाय डिफॉल्ट हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से फेंको तो वो रिपेल होके ऐसे ही भागेगा, ऊपर से फेंकोगे तो भी रिपेल होके भागेगा, नीचे से फेंकोगे तो भी रिपेल होके भागेगा। तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इट इज द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज के पास लाएंगे तो वो क्या होगा, रिपेल। इसलिए सारी डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोच के बताओ अगर इसी बॉडी पर चार्ज नेगेटिव होता, ये रहा नेगेटिव चार्ज, और हम टेस्ट चार्ज को फेंकते तो टेस्ट चार्ज अब क्या होता, रिपेल की जगह अट्रैक्ट हो जाता, तो ये सारे एरो कहां हो जाएंगे, अब इनवर्स। तो अगर बॉडी पे चार्ज नेगेटिव है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इनवर्स। मतलब बाहर से एरो आएंगे वो सब चार्ज के अंदर चले जाएंगे, यहां भी। अगर ये माइनस है तो सारे एरो इनवर्स, बिल्कुल ऐसे ही यहां सारे एरो इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे ख्याल से दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड सराउंडेड बाय द सोर्स चार्ज,
इन विच एनी टेस्ट चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. जैसे मैं हूं, अगर मुझ पर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं अपने सराउंडिंग में क्या डेवलप करूंगा, एक फील्ड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. उस फील्ड में जो भी दूसरा टेस्ट चार्ज आएगा वो क्या फील करेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन. उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है, इक्वल एफ बाय क्यू नॉट. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हो गई उसकी डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज है तो एरो सारे बाहर चलेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो एरो सारे अंदर आएंगे. ओके, अब आगे देखिए. मैंने अभी अभी आपको बताया E का फॉर्मूला F अपॉन क्यू नॉट, ये जनरल फॉर्मूला है. हमारे पास एक बॉडी जो है कैपिटल Q, इट इज सोर्स चार्ज, और जो क्यू नॉट है इट इज टेस्ट चार्ज. दोनों के बीच में गैप है R, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा. फोर्स का फॉर्मूला क्या था देखना, 1 अपॉन क्यू नॉट को हमने अलग कर लिया, फोर्स की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. यही होता है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला जो हर जगह काम आएगा. अगर हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है, अब जरा बुकलेट में देखिए. सभी लोग बुकलेट ओपन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड देखें. बुकलेट में लिखा होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट, इस सोर्स चार्ज से हम कितनी दूर जाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, पहला पॉइंट. तो मैथमेटिकली ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि जब तक R यहां पे इनफाइनाइट नहीं होगा, जब तक R यहां पे इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक ई जीरो नहीं आएगा. तो ई आर इक्वल इनफाइनाइट पर ई इक्वल होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू बाय इनफाइनाइट, मतलब ई आ जाएगा जीरो. पहला पॉइंट. अब बुकलेट के सेकंड पॉइंट को देखो. बेटा याद रखना इसी फॉर्मूले का यूज ज्यादा होगा. सेकंड पॉइंट में ग्राफ प्लॉट करना है ई और आर के बीच में, तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा ई और आर के बीच में, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही डिस्टेंस. ई और आर, ई और आर कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व.
इसी में आगे कहा गया प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन ई एंड वन अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ई और वन अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा ई और ये रहा वन अपॉन आर स्क्वायर। बेटा वन अपॉन आर स्क्वायर पूरी एक क्वांटिटी है, जैसे यहां आर था तो ई और आर कैसे थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ई और वन अपॉन आर स्क्वायर ये पूरा कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसा आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो याद रखिएगा अगर ग्राफ ई और आर के बीच में है तो कर्व, लेकिन अगर ग्राफ ई और वन अपॉन आर स्क्वायर के बीच में है तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बुकलेट का जो थर्ड पॉइंट है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वो जब वेक्टर वाला पोर्शन आएगा तब बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बुकलेट में फोर्थ पॉइंट है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन आउटवर्ड्स, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन इनवर्ड्स। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।